या तेजस्वी जो है मुस्लिम या यादव का जो नेता है उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। हाँ एकदम तोड़ फोड़ नहीं चलेगा एकदम हाथी साथ। पैसा वैसा लिए नहीं क्या? नहीं नहीं पैसा वाला तो सवाल जवाब है ही नहीं। बहुत है गुलाब यादव राजद को लेके बहुत बहुत। क्यों? क्योंकि टिकट दे के छीन लिया गया। क्या कहेंगे उसको तो टपने नहीं देंगे इधर तो। टपने नहीं इतना गुस्सा में है। इतने गुस्से में क्या देखते नहीं है ज्यादा का नेता तो लालू तेजस्वी ना जी। बोलते कुछ है करते कुछ है ऐसा थोड़ी चलेगा। जनता का राजद का बंधुआ मजदूर तो नहीं ना है। हाँ। कि वो जो करेगा उसके पीछे हम पिछलगू होके घूमते रहे ऐसा नहीं संभव नहीं। हम जाते हैं क्षेत्र में ना तो यहाँ का जनता झंझारपुर का जनता भैंस चराने जाता है तो इस बार ना झंझारपुर का जो जनता है ना सब उसको भैंस चराने के लिए भेज देगा। जो इतना होगा तो वहाँ पर 2-4-20 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। हाँ एकदम करता है। तैयारी कीजिए रोड शो भी किया फिर बुला के वहाँ बोले कि दलित का सीट है दलित को देंगे और दलित को लेते ही देकर सुमन महासेठ को दे दिया। हाँ। ये तो गलत है ना। हाँ। क्या किधर वोट जाएगा? मेरा वोट गुलाब यादव को सपोर्ट करता हूँ। तेजस्वी यादव ना जी? नहीं गुलाब यादव। कहा है गुलाब यादव? कहा कि हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं और मेरे छोटे छोटे समस्याओं का हल देते हैं इसीलिए हम बुला जाते हैं। कहता तो है कि जादवों की पार्टी आरजेडी है। जादव का पार्टी आरजेडी है। हाँ। ठीक है लेकिन यहाँ हम लोग का पार्टी गुलाब यादव है और हम उन्हीं को वोट देंगे। तो पिछला तो गुलाब यादव आरजेडी से ही लड़े थे। वो चाहे जिससे भी लड़े हम लोग उनका टिकट नहीं देने से नाराजगी है क्या यहाँ के यादवों में? वो बात वो जाने नाराजगी तो है। हाँ लेकिन फिर भी हमारा नेता गुलाब यादव रहेगा हम उनको। कहा है गुलाब यादव को इतना पसंद यहाँ के लोग कहा है करते हैं? क्योंकि हर हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं हम लोग का छोटे छोटे समस्याओं का हल करते हैं। हाँ। जो भी समस्या होगा उनके पास जाते हैं तो समस्या का हल देते हैं हम लोग को हमेशा मदद करते हैं। हाँ। इसीलिए हम लोग उनका तेजस्वी तो कहते हैं हर मन से चुपचाप लालटेन छाप कहीं इधर उधर कोई नहीं घूमने जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं गुलाब यादव को हम लोग गुलाब इस पे हम कुछ कहना चाहेंगे। जी बोलिए ना जी। ऐसा है जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी कहते हैं या लालू प्रसाद कहते हैं तो लालू प्रसाद या तेजस्वी जो है मुस्लिम या यादव का जो नेता है उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कैसे कैसे आप ही बोल रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ने देता है? ऐसा है कि इससे पहले भी हम सुने हैं कि यदि लालू प्रसाद यादव हस्तक्षेप नहीं किए होते तो जो कि आज इस दुनिया में नहीं है मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन चुके होते। तो इस तरह से हम जानते हैं कि लालू यादव जो है मतलब आपका आरोप है कि लालू परिवार किसी को बढ़ने नहीं देता है। हाँ यादव यादव में किसी को बढ़ने नहीं देता। हाँ, यादव में और मुस्लिम में बढ़ने नहीं यादव और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करता है। हाँ। लेकिन बढ़ने नहीं देता अभी जो है सो गुलाब यादव के साथ किया हुआ है। आप लोग को मालूम होगा कि इनको पहले कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा तैयारी कीजिए। हाँ। रोड शो भी किया फिर बुला के वहाँ बोले कि दलित का सीट है दलित को देंगे और दलित को लेते ही देकर सुमन महासेठ को दे दिया। हाँ। ये तो गलत है ना। हाँ। ये तो पैसा का बाजारीकरण हो रहा है टिकट का बाजारीकरण है इसलिए हम लोग जो है आप लोग नाराज हैं पूरा सब कहे गुस्सा नाराज का है। सदियों से है लोग समझ नहीं रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी जो है सो यादव और मुस्लिम के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन यादव और मुस्लिम को समर्थन नहीं करते हैं वो। हाँ। आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है उसको। हाँ। उनका या तो टिकट काट दिया जाता है या उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। हाँ। देखिए देवेंद्र यादव कितने दिनों से लगे हुए कई बार निकले आए गए और फिर यहाँ की जनता मतलब इस पर राजद को दम नकार देगी। हाँ जनता को हम जनता राजद का बंधुआ मजदूर तो नहीं ना है। हाँ। कि वो जो करेगा उसके पीछे हम पिछलगू होके घूमते रहे ऐसा नहीं संभव नहीं है। अच्छा हाँ चलिए हम और भी लोग हैं इधर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न यादव। यादव जी हैं? जी जी। क्या माहौल है यहाँ के? यादव जी किसके तरफ हैं? गुलाब यादव की तरफ है। कहाँ है गुलाब यादव की तरफ? क्योंकि हमारे ये नेता बहुत अच्छा है। हाँ। और बहुत ग्रामीण में। हाँ। काम कर रहा है तो ग्रामीण में तो कहते हैं तेजस्वी यादव की सब लालू के सिपाही हैं जितने यादव हैं। नहीं नहीं सब यादव आरजेडी के तरफ ही रहते हैं। नहीं नहीं बेटा। हाँ। गुलाब यादव को चलेगा आज भी बहुत है गुलाब यादव राजद को लेके बहुत बहुत। क्यों? क्योंकि टिकट दे के छीन लिया गया। अच्छा टिकट दे के छीन लिया गया। छीन लिया गया तो इस बार का यहाँ का लगता है कि पूरा समीकरण यादवों का बिखरेगा। पूरा हाथी पे जाएगा वोट। सब हाथी पे सब। चलिए हम और भी लोग हैं किसी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश यादव। अच्छा सब यादव जी हैं? जी जी।
क्या माहौल है यहाँ के जादव एकदम जय जय कार रहेगा हाथी छाप का एकदम। हाँ हाँ एकदम तोड़ फोड़ नहीं चलेगा एकदम हाथी छाप। पैसा वैसा लिए हैं क्या? नहीं नहीं पैसा वाला तो सवाल जवाब है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि गली कुची कहीं भी रास्ता नहीं था। आप जा करके देख लीजिए, खाली एकदम ढलैया है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड हो गए। कहीं भी गली में गुलाब यादव भी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। कि आरजेडी को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे उसको, तो टपने नहीं देंगे इधर, तो टपने नहीं। इतना गुस्सा में है, इतने गुस्से में क्या देखते नहीं है? ज्यादा का नेता तो लालू है, तेजस्वी ना है जी। बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसा थोड़ी चलेगा। अच्छा, पूरा नाराज है आप लोग? नाराज कर दिए है तो नाराज, पूरा नाराज है ना? नाराज कर दिया है तो नाराज तो रहना पड़ेगा। नाराज कर दिए हैं? अब ठीक है, अब आपको जैसे सपोर्ट करेगा उसके बाद आप उसको पीछे पीछे आप दौड़ते रहिएगा, वो भागता रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल देखिए, जितना भी लोकसभा गंगापुर लोकसभा का जनता है ना, हाँ। सब जानता है यहाँ का जो पिछली सांसद था वो क्या बोलता है कि जब हम जाते हैं क्षेत्र में ना, तो यहाँ का जनता मतलब झंझारपुर की जनता भैंस चराने जाता है। तो इस बार ना झंझारपुर का जो जनता है ना, सब उसको भैंस चराने के लिए भेज देगा। जो पिछला जो सांसद है रामप्रीत मंडल जी, उनको सब भैंस चराने के लिए भेज देगा। और यहाँ का सारा जनता देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। यहाँ का जो कार्यकाल रहा है अभी झंझारपुर लोकसभा का जो प्रत्याशी है गुलाब यादव, उनकी जो लड़की है बिंदु गुलाब यादव, उनका काम देखिए, पूरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रही हैं। उनके काम से बहुत जनता खुश है। उनका उनकी पत्नी जो है गुलाब यादव की पत्नी MLC अंबिका गुलाब यादव, उनके काम से देखिए बहुत जनता खुश है। घर घर जाते हैं, कोई भी एक छठियार होता है ना उसमें बुलाते तो इनवाइट करते तो जाते हैं। और गुलाब यादव हर जनता के दरवाजे पे लोग पहुंचता है। इसलिए यहाँ झंझारपुर का जो जनता है ना वो सब जानता है, इसलिए सभी वोट गुलाब यादव को जाएगा, हाथी छाप पे जाएगा। चलिए, यहाँ पे JDU से रामप्रीत मंडल जी हैं और हाथी बसपा से गुलाब यादव जी हैं और इंडिया लाइन से, क्या किस में जाएगा, किसके पक्ष में? अभी तो गंगापुर को तो गुलाब यादव खड़े हैं, तो हम लोग को हाथी छाप गुलाब यादव को वोट देने के लिए चाहते हैं। हाँ, गुलाब यादव काम करते हैं जी? हाँ है? मिलते उलते हैं? हाँ मिलते हैं। हाँ तो मतलब गुलाब यादव जी मिलते हैं लोगों से, सब यहाँ के लोगों से? हाँ हाँ, समाज में बहुत दूर दूर तक तो कहूँ घटना होगा तो वहाँ पर 2-4 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। हाँ एकदम करता है कि जो बाढ़ में डूब रहा है इसलिए बोल रहा है? नहीं, सत्य बात है। हाँ। चलिए महादेव स्थान में हम कहेंगे। अच्छा, जहाँ पर घटना होगा, हाँ। जैसे छड़ टूट जाएगा, हाँ। डूब रहा है वहाँ पर नाव दे देगा 10-20, हाँ। वहाँ पर खाना पीना बना करके सबको रक्षा करता है, खिलाओ पिलाओ सबको, हाँ। जान को रक्षा कीजिए काम करते हैं। हाँ, वही काम जो है जो रक्षा करता है, हाँ। जहाँ पर घटना होगा वहाँ पर तो जब ही करेगी। वहाँ पर रोटी 10-20 गिरा दिया, सबको कड़ा चढ़ा करके खाना बना बना करके सबको खाना खिलाया, तो रक्षा तो फिर किया, रक्षा तो किया। इसीलिए जो देखा है वो मतलब यहाँ के लोग गुलाब यादव को जी। और अच्छा, किसका मन में क्या चीज है वो हम नहीं, हाँ। दोनों बात, आपको मन में क्या है, हमारा मन में क्या है वो कौन जानता है। आपके मन में गुलाब यादव जी हैं जी? अभी मिले हुए हैं कि नहीं आके? अभी तो घूम रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कर रहे। अभी झंझारपुर लोकसभा में यहाँ की यादवों का क्या माहौल है? यहाँ के यादव तेजस्वी यादव, लालू यादव RJD से साफ नाराज दिख रहे हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।